हिमाचल की बात में आज हम शिमला की जनता से जानेंगे कि उन्हें किस तरह की सरकार चाहिए और उनके स्थानीय बाशिंदे यानी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो किस तरह से होने चाहिए। क्या यहाँ पर विकास हुआ है या और कोई काम होने की जरूरत है? आइए हिमाचल की बात में सीधा चलते हैं, जनता से बात करते हैं और जानते हैं उनकी पसंद क्या है, वो किस तरह का उम्मीदवार चाहिए, कौन जीतना चाहिए, किस तरह का एमएलए होना चाहिए। हम तो चाहते हैं जो क्षेत्र विकास, जनता के दुख सुख और जनता की जो परेशानियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें, हम तो इस तरह का ही एमएलए चाहेंगे जो यहाँ की छोटी छोटी समस्याओं को लेके साथ चले। वो ऐसा विधायक यहाँ का होना चाहिए जो यहाँ की बिल्कुल क्या बोलते हैं जैसे सैनिटेशन का सबसे बड़ा मामला है यहाँ, वो ठीक होना चाहिए। आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी समस्या है जो कि शिमला में सालों से बरकरार है और अभी भी वो बरकरार ही है और उससे इन समस्याओं को कौन ठीक कर सकता है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो शिमला में ट्रैफिक की व्यवस्था की है और पार्किंग की है। ट्रैफिक की वजह से मतलब लोगों को पैदल चलने वाले जो यात्री हैं या कुछ भी है उनके लिए फुटपाथ नहीं है, और अगर कोई गाड़ी लेकर के आता है, कोई शिमला का स्थानीय निवासी है, कोई शॉपिंग करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो गाड़ी खड़ी करके बाजार के लिए 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए जा सके। सरकार कैसी चाहिए, किस तरह की सरकार होनी चाहिए, क्या अलग काम होने चाहिए? सरकार हमें ऐसी सरकार चाहिए जो जनता का ख्याल रखे, जनता के बारे में सोचे, जो जनता की बुनियादी सुविधाएं हैं जो जनता को मिलनी चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य से लेकर है और जो रोड है, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, वो ठीक ढंग से चलाने में जो सरकार सक्षम हो, उस प्रकार की सरकार चाहिए। युवाओं का ध्यान रखे, बेरोजगारी का ध्यान रखे। यहाँ की जनता ऐसी सरकार चाह रही है जो ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर युवाओं को रोजगार के या स्वरोजगार के अवसर दें, साथ ही जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दें, और ऐसी सरकार चाहिए जो कि हिमाचल की तस्वीर बदल के रख दे। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला।